दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर, और आज मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो अभी न्यू न्यू अभी कहीं से रिपेयरिंग सीख रहे हैं और या सीख चुके हैं, और बहुत ही बेसिक लेवल से आज मैं कुछ बताऊंगा आपको कि आप अगर लैपटॉप रिपेयरिंग के फील्ड में आ रहे हैं तो या आ चुके हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे बोर्ड कोई सा भी हो। जैसे ये एक एसर का बोर्ड है, 7912P का कंपल का बोर्ड है, तो डेट की प्रॉब्लम आती है या ऑन होके ऑफ होने की प्रॉब्लम आती है या नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग की प्रॉब्लम, स्क्रीन पर नो लाइट वगैरह वगैरह, ये हमें सॉल्व करना होता है। तो जब हम मदरबोर्ड जब हमारे पास आता है तो कस्टमर तो एक सिंपल सा वर्ड बोलता है कि ये डेड है। डेड में हमें कितनी चीज़ें चेक करनी चाहिए, तो उसी का आज मैं आपको डेमो दूंगा कि किसी बोर्ड को किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं। देखिए, डायग्नोस करने का तरीका जो है सारे इंस्टीट्यूट वाले अलग अलग तरह से बताते हैं, बात वहीं पहुंचनी है। लेकिन और अप्रोच क्या होता है कि आप किसी बोर्ड में को रिपेयर कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा डील नहीं है, बल्कि एक बोर्ड को कितने कम टाइम में आप रिपेयर कर सकते हैं, कितना एफिशिएंसी के साथ आप उसको ठीक ठाक कर सकते हैं, वो मैटर करता है। क्योंकि आपके दिन में अगर पूरे 10 लैपटॉप आते हैं और एक बोर्ड में ही आपने पूरा दिन लगा दिया तो फिर बाकी को क्या आप कहेंगे, गोली देते रहेंगे। तो सबसे कमाल की बात है, अच्छा रिपेयरिंग वाला वो है जो आपको विद इन गिवन टाइम, जो भी टाइम कस्टमर को दिया गया, जैसे 1 घंटा 2 घंटा, उसके अंदर अंदर वो निपटा करके उसको दे दे। कुछ केस में टाइम लगता है, जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर नो डिस्प्ले का प्रॉपर केस है, प्रॉपर नो डिस्प्ले, लो लोड नहीं है, बिल्कुल सही एम्पेयर है, ऐसे केस में हमें पीसीएच की सारी रिक्वायरमेंट, रैम की सारी रिक्वायरमेंट, सीपीयू की सारी रिक्वायरमेंट, बायोस की रिक्वायरमेंट, बाकी जितने चीज़ें हैं, आईडी, बोर्ड आईडी वगैरह हो गया, उसका एसकेयू आईडी हो गया, सारी चीज़ें चेक करनी होंगी, तो उसमें टाइम लगता है। उसमें उस केस के लिए हम कस्टमर से टाइम लेते हैं। अभी कोई आपके पास इस तरह का अगर बोर्ड आता है, जैसे ये नो पावर है, एम्पेयर पर ध्यान दीजिए, अभी मैंने इसमें पावर लगाया तो कोई भी लोड नहीं है। एक होता है क्या कि जब आप अडेप्टर लगाते हैं, आपने ये सुना भी होगा या देखा होगा, चूंकि ये वीडियो ही डेडिकेटेड है न्यू कमर्स के लिए या जो लोग नया अभी सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, तो जो एडवांस लेवल जानना चाहते हैं वो तो करके आ ही सकते हैं हमारे पास सीखने के लिए, बाकी जो बेसिक है वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करा देता हूँ। जब आप अडेप्टर लगाते हैं तो देखते होंगे अडेप्टर की लाइट जलने या बुझने लगती है, तो वो एक मैसिव शॉर्टिंग होती है जो 19 वोल्ट के एरिया से कनेक्टेड होती है। जनरली आपका डीसी इन एरिया को अगर तकलीफ होती है तो आपका जो है बोर्ड ऑन, जैसे होता है ना कि पहली मॉसफेट स्विचिंग की है तो दूसरी ब्लॉकिंग होगी, या अगर पहली आपकी ब्लॉकिंग है तो दूसरी स्विचिंग होगी। तो बहरहाल मतलब ये है कि किसी भी हालत में एडप्टर की वोल्टेज विदाउट लॉजिक नहीं पार करनी चाहिए। अब लॉजिक का मतलब अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, तो लॉजिक ये है, जैसे इसमें BQ24725 लगी है, 25 और 35 एक ही तरह की आईसी होती है, तो ये है लॉजिक। इस लॉजिक को आपको समझना होता है कि ये चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है, पूरा चार्जिंग आईसी के अंदर की ये कहानी है, और ये कैसे वोल्टेज इन होता है और लॉजिक क्या सही निकलता है। जैसे यहाँ पर एसी ओके, क्या हाई निकलेगी या लो निकलेगी, या कभी लो भी होती है, ठीक है, बहुत सारे बोर्डों में लो सही होती है, कुछ बोर्डों में हाई होनी चाहिए, तो ये लॉजिक हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर से एक पॉइंट बताऊँ कि अगर अडेप्टर की वोल्टेज 3.75 वोल्ट से ज़्यादा है तो ये यूवी एलो मोड से आउट हो जाएगी, बाहर होगी। तो यहाँ पर आपका लॉजिक, ये चूंकि ये कंपैरेटर है, फिर ये गेट है, ये नॉट गेट है, ये एंड गेट है, तो सीधी सी बात है, अगर मैं अगर यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ और आपने कहीं से सीखा है काम, या आप जैसे भी हमारे YouTube के वीडियो को देख के सीखते हैं, तो कंपोनेंट का नॉलेज सबसे पहले आता है, ताकि कंपोनेंट के जोड़ जोड़ करके हम उसे लॉजिक क्लियर करते हैं कि यहाँ पर हाई होगी या लो होगी।
एक बात हमें ये समझ आती है। दूसरा बात, फिर आपको इस बात की नॉलेज चाहिए कि सिग्नल लेवल पर, अभी जैसे ये डेड बोर्ड है, तो अगर 19 वोल्ट बन रहा होगा तो हम अलग स्टेप लेंगे। अच्छा, अगर 19 वोल्ट नहीं बन रहा होगा तो एक अलग स्टेप लेंगे कि भाई ये 19 वोल्ट को बनाने के लिए चार्जिंग आईसी का हमें ये रिक्वायरमेंट चेक करना होगा। और अगर मान लीजिए कि 19 वोल्ट हमारा बन रहा है, तब 3-5 का एरिया होगा, तो 3-5 में भी कैटेगरी है, 3-5 LDO, 3 की LDO है, 3 की S5 है, 3 की S4 है, S3 है, 3 की S0 है, 3 वोल्ट EC है, 3 वोल्ट हर एरिया के लिए, LVDS है, 3 वोल्ट तो बहुत जगह जाता है, 3 वोल्ट का भी कम से कम 10 वेरिएंट होगा, ठीक है, कम से कम भी तो 10 वेरिएंट होगा। अब रहा सवाल कि सबसे पहले हमें स्टैंड बाय वोल्टेज चाहिए होता है कि भैया 3-5 जब हम अडेप्टर लगाएं तो वो 3-5 हमें ऑन ऑफ पर मिल जाए, SM बस पर मिल जाए, RTC एरिया पर मिल जाए। तो इन सब में से हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ठीक है? और बताने वाले तो जो पढ़ाते हैं कि भैया ये ऑन ऑफ पर जाएगी, ये IO पर जाएगी, लेकिन कुछ खास पॉइंट है जो जिसके बारे में ना तो लोगों को जल्दी पता होता है क्योंकि वो रिपेयर नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग रिपेयर करके सिखा रहे हैं उसके साथ एक एडवांटेज ये होता है कि आपको वो कुछ ऐसा सेक्शन बताएंगे जैसे थर्मल का इम्पोर्टेंस। आपने सुना नहीं होगा अगर इंस्टीट्यूट वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि थर्मल थर्मल भी बोर्ड को रोक सकता है। अभी 3-5 IC को मैं बोलूं कि 3-5 IC कौन बनाती है, तो आपका जवाब 100% यही होगा कि IO निकालती है, S5 ऑन, EC ऑन, ऑलवेज ऑन वगैरह वगैरह, जो 3-5 बनाती है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि 3-5 IC को एक्चुअली में थर्मल बनाती है, तो आप हैरान और परेशान होंगे। कभी डेल सीडार वगैरह का बोर्ड खोल के देखिएगा और उसका जो ब्लॉक डायग्राम होता है नीचे वाला, तो वहाँ पर आपको ये बात लिखा हुआ होगा, ठीक है, कि 3-5 IC थर्मल लॉजिक ही पास करती है, मतलब अलाउ वही करती है कि जाएगा, कंट्रोल कौन कर रहा है। अनेबल तो ठीक है, आयो निकालती है, ठीक है, बट अनेबल निकालने से क्या होगा, अगर थर्मल एरिया प्रॉब्लम होगी, कंट्रोल एक्चुअली हम देखते हैं कि कंट्रोल कौन कर रहा है, उस सिग्नल को कंट्रोल करता है थर्मल एरिया बोर्ड का। तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है थर्मल एरिया। तो यानी जानकारी आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी कि हमें अगर बोर्ड को ठीक करना है तो काफ़ी कुछ नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, और कंपोनेंट का और स्विचिंग का पूरा नॉलेज आपको चाहिए। आइए एक बोर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस बोर्ड में देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है? तो हमने अडेप्टर लगाया है, लोड कुछ नहीं है, तो लोड नहीं है तो दो बातें हैं, एक तो ऐसा होता है कि ओपन हो गया कुछ, और एक होता है कि 19 वोल्ट नहीं जा रहा है, चार्जिंग आईसी को पता है कि आगे प्रॉब्लम है, वो जाने नहीं देगा, और एक्चुअली होना भी यही चाहिए। आप कुछ लोग क्या करते हैं, एक तो कम से कम ध्यान रखिएगा, तो जो लोग अभी इस लाइन में तुरंत आए हैं उसको एक बात की तो जानकारी होनी चाहिए कि अभी जितने लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड आपको मिलेंगे, जैसे अभी ये गेमिंग सीरीज का है, टफ है, बाकी रोग है, या बहुत तरह के मॉडल आते हैं, इन सब में एक प्रॉब्लम आती है कि भैया अगर 19 वोल्ट नहीं बन रही है तो कभी भी पहली मॉसफेट, दूसरी मॉसफेट के बाद जो सेंसिंग रजिस्टर लगी होती है वहाँ पर आप जंपर मार करके 19 वोल्ट बनाने की कोशिश मत करिए, सीधा CPU जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दो मॉसफेट लगी है, एक हाई ड्राइव है, एक लो ड्राइव है, और यहाँ पर 1 वोल्ट बननी है, और हाई ड्राइव शॉर्ट हो गई है, ठीक है, हाई ड्राइव शॉर्ट हो गई है 19 वोल्ट वाली, तो सीधा एक जंपर वायर बन गया है। जैसे आप चार्जिंग आईसी को पता है कि आगे करंट बहुत ज़्यादा ले रहा है, कुछ गलत हुआ है, तो वो 19 वोल्ट को आगे नहीं पास करने दे रहा है। आप सेंसिंग रजिस्टर से जब 19 वोल्ट इन कराने की कोशिश करते हैं तो वो 19 वोल्ट आपके हाई ड्राइव से होता हुआ जहाँ पर 1 वोल्ट बनना था वहाँ पर 20 वोल्ट और 19 वोल्ट बना करके आगे भेज देगा CPU को। अब बताइए CPU के अंदर 20 वोल्ट जाएगी तो क्या होगा, आप भी अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कभी भी कोई बोर्ड आए तो आप उसको जो है उसमें आप कभी भी जंपर मत मारिए, ठीक है? अब मैं कैमरे को स्विच कर लेता हूँ। तो ये बोर्ड है और ये है 19 वोल्ट का एरिया, ठीक है, यहाँ पर अभी इसमें पावर डालेंगे तो डायग्राम के हिसाब से हम देख के चलेंगे, डायग्राम भी है, बोर्ड भी हुई है, दोनों चीज़ें इसका। तो ये इसका डायग्राम है और यहाँ पर हमें टाइप करना होगा PQ9।
ये है चार्जिंग आईसी का एरिया, ठीक है। चार्जिंग आईसी ही कंट्रोल कर रही है कि वोल्टेज अंदर जाएगी या नहीं। अभी यहां पर देखिए, ये है ब्लॉकिंग, किसके लिए? बैटरी के लिए। और ये है स्विचिंग। अभी पहले को स्विच कराएंगे तभी ये वोल्टेज इन होगा, और अगर मान लीजिए इसको स्विच नहीं भी कराया तो कम से कम डायोड मोड के थ्रू ये इन हो करके इस तरफ आ जाएगा। तो उस तरफ को भी ध्यान रखना होता है, समटाइम शॉर्टिंग यहां से भी आती है। तो हम अभी शॉर्टिंग चेक करेंगे इसका। अभी तो पावर डाल दिया सीधा। यहां देखिए ब्लॉकिंग किसके लिए? डीसी इन बैटरी के अंदर नहीं घुसना चाहिए किसी भी हालत में, इसलिए डायोड इस मोड में लगा हुआ है कि अगर मान लीजिए यहां पर 20 वोल्ट है और यहां पर 12 वोल्ट है तो डायोड ऑफ होगी, ठीक है। डायोड ऑफ हो गए, अभी ऑफ होना चाहिए। अगर देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं पता है कि एन चैनल कौन सा है, पी चैनल कौन सा, कुछ भी ठोक देते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर चूंकि ये एन चैनल है, अगर पी चैनल रहता तो इसका डायोड का मोड इस तरफ होता, तो समझिए क्या होगा कि जब भी बैटरी और पावर एक साथ लगेगा तो आप देखेंगे एडाप्टर की लाइट ब्लिंक करने लगेगी। तो ब्लिंक करने का दो वजह आपको हो सकता है, एक तो कि पावर लगाते ही ब्लिंक कर रहा है, तो समझिए कि आपका जो सेंसिंग रजिस्टर वाला एरिया है ये डायरेक्ट ग्राउंड हो गया कहीं से, ठीक है। यानी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि भैया कोई एकदम शॉर्टेस्ट पॉइंट फ्रॉम द पावर टू ग्राउंड, ग्राउंड और पावर के बीच में दूरी कम हो गई है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लो ओम। लो ओम का मतलब हुआ शॉर्ट, ठीक है। अभी शॉर्ट सर्किट नहीं चाहिए, यहाँ पर ओपन वैल्यू चाहिए। और यहाँ से आपकी 20 वोल्ट इस तरफ नहीं जानी चाहिए। अगर चली गई, मान लीजिए उल्टा लगा दिया है, किसी ने पीछे ना लगा दिया है, तो वो टकराएगी 12 वोल्ट से, और जिसकी वजह से बत्ती ब्लिंक करेगी। पावर सप्लाई से जब चेक करेंगे तो वोल्टेज फ्लक्चुएट होने लगेगा, क्लियर है। तो ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर शॉर्ट सर्किट चेक कर लेते हैं। अभी अपने मल्टीमीटर को बीप पर सेट कर लिया हमने, ठीक है। हाँ ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारी पहली फेट, दूसरी फेट, PQ9, PQ10, और इसको कभी मत भूलिएगा PQ11 एक साथ, क्योंकि फिर क्या होगा अगर मान लीजिए अभी भूल जाते हैं, अभी भूल गए कि PQ11 को हमें नहीं चेक किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोर्ड में ऑन हो सकता है एकदम बिल्कुल एकदम फास्ट क्लास चलेगा। लेकिन जैसे आप एडाप्टर लगाएंगे तो लैपटॉप ऑफ होगा और बत्ती ब्लिंक, समझ गए ना क्या हो रहा है कि 12 वोल्ट 20 वोल्ट से टकरा रही है। तो आइए चेक करते हैं, ये वाली मॉस्फेट है। तो 19 वोल्ट को अभी हम लोग चेक कर रहे थे, मेरा कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। तो ये है हमारा 19 वोल्ट एरिया, ठीक है। तो स्विचिंग और ब्लॉकिंग दोनों को हमें चेक करना है कि भैया कोई शॉर्ट तो नहीं है। सबसे पहला जो स्टेप आप लेंगे वो चाहे एन चैनल हो या पी चैनल हो, जैसे ये एन चैनल है तो ये ओपन होनी चाहिए, ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं होनी चाहिए। और इसमें सारा चीज़ चेक कर लीजिए आपकी, गेट टू सोर्स, गेट टू ड्रेन, गेट टू कुछ भी आपस में शॉर्ट हो सकता है, इसलिए शॉर्टिंग नहीं चाहिए, आपस में सब कुछ चेक करना आपको, ठीक है। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और दूर जाओ भाई। ठीक है, तो यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं चाहिए और ना गेट से चाहिए, तो यहाँ शॉर्टिंग तो नहीं है। दूसरा एरिया जो होता है कि समटाइम शॉर्टिंग होने के बाद आपकी वो जो फ्लक्चुएशन बताया मैंने अडेप्टर पर, वो हमेशा नहीं होता है। इसकी कंट्रोल करने के लिए चार्जिंग ऐसी होती है। तो हो सकता है कि आउटपुट में शॉर्टिंग हो, तो इसका एक सेंसिंग रजिस्टर होगा कहीं पर। अब कहाँ पर है तो ऐसा समझ में नहीं आएगा, तब आपको आना चाहिए बोर्ड व्यू चलाने के लिए, कि भैया बोर्ड व्यू भी कुछ होता है जो आपको लोकेशन बताएगा इसका कि जो डायग्राम है हमारा वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब देखिए आपको पहले यहाँ से देखना होगा कि हमें इस सेंसिंग रजिस्टर को ढूंढना है, ठीक है। सारे बोर्ड का एक ही नियम है, चाहे वो कोई 11, 12, 13, 14, 15 कोई भी जनरेशन उठाइए, मतलब जो आएगा भी, मॉस्फेट दो होगी, ठीक है, समटाइम एक भी होती है, एक डायोड होती है और एक सेंसिंग रजिस्टर होगा। मतलब जो दो एरिया है पावर इन का, एक बैटरी एरिया और एक एडप्टर एरिया, इस दोनों के पास सेंसिंग रजिस्टर तो मस्ट है। अभी कुछ बोर्डों में मैंने भी देखा है दो दो चार्जिंग आईसी, ठीक है, अभी यही रखा हुआ है गेमिंग सीरीज। आप अगर डायग्राम खोल के देखेंगे, मैं खुद हैरान और परेशान हूँ कि ऐसे बोर्ड को कैसे
रिपेयर करेंगे जिसके अंदर दो दो चार्जिंग आईसी दी हुई हो। और बोर्ड का पार्ट नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं देखने के लिए, GA401QE, ठीक है, ये आसूस टफ का सीरीज है, GA401QE, दो चार्जिंग आईसी है, ठीक है। तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी, नया कुछ घिसा पिटा नहीं रहता है, चेंज होती रहती है और हमें उसे अडॉप्ट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, इसमें चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ से पावर इन होगी और यहाँ से पावर इन होगी, इस दोनों के पास थोड़ा सा ड्रॉप आउट वोल्टेज ड्रॉप होता है और उसी ड्रॉप के थ्रू इसको पता चलता है कि कितना करंट कंज्यूम कर रहा है बोर्ड, और इधर से बैटरी के बारे में भी पता चलता है कि बैटरी कितना करंट और कितना वोल्टेज दे रही है और वो कितना चार्ज है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से कनेक्टेड होता है। ये अभी ये तीन एरिया को हमें पता करना है, तो बोर्ड व्यू से कैसे पता करेंगे? तो ये देखिए ड्रेन साइड है, ये सोर्स है, ये गेट है, ये ड्रेन है, तो हम ड्रेन पर रखेंगे और पॉइंट को, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, तो हमें पता होता है कि 1 2 3 नंबर सोर्स होता है, 4 नंबर गेट होता है, ड्रेन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप कॉपी भी कर सकते हैं, नाम यहाँ पर से सर्च कर सकते हैं कि भैया ये कहाँ जा रही है, इस सिग्नल को ही कॉपी कर लेते हैं हम तो पता चल जाता है बी प्लस को, तो लेकिन बी प्लस तो बहुत जगह जाएगा, तो आप इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं कि सीधा सीधी आप यहाँ से क्लिक करिए और आपको पलट के देखिए बोर्ड कि ये कहाँ गया है, तो आपको पता चलेगा ये एक सेंसिंग रजिस्टर होगी PR41, यहाँ जाएगा ये रजिस्टर PR41, ठीक है। तो ये मिल गया हमें, तो इस पर हमें वोल्टेज चाहिए, अगर सब कुछ ठीक है तो हमें इस पर वोल्टेज चाहिए। आइए ज़रा चेक करते हैं कि क्या हमें जो हमने ड्रेन से इंजेक्ट किया है वोल्टेज, वोल्टेज पर कर लेता हूँ मैं मल्टीमीटर को, जो ड्रेन से हमने वोल्टेज इंजेक्ट किया है ही नहीं, अभी पावर ही नहीं लगाया है, ठीक है, लगाते हैं आप फिर से पावर। शॉर्टिंग तो चेक कर ली थी, नहीं करी, सारी नहीं करी थी, एक पॉइंट बच गया था आपका, वो भी चेक कर लीजिए, कौन सा था, बैटरी फैट मेगा ओम में है, ठीक है, ओपन है, सही है, तो शॉर्टिंग नहीं है। अब दूसरा जो स्टेप आप चेक करेंगे, पहला जो हमें चेक करना होता है फिजिकल, फिर कोल्ड चेकिंग और फिर हॉट चेकिंग। तो हॉट चेकिंग में ये ड्रेन से वोल्टेज एंट्री है, वोल्टेज एंट्री ड्रेन से है, तो ड्रेन पर आपको 19.7 वोल्ट पक्का पक्की 20 कर देता हूँ, ठीक है। अरे यार तुम क्यों आवाज़ कर रहे हो, मत रोया करो ऐसे, 20.00 एकदम। अभी यहाँ से हमने 20 वोल्ट इंजेक्ट किया है, अब देखिए ये हमें 19.93 इतना क्यों दिखा रहा, 0.7, ये वायर, ये जो वायर होता है ये भी खाता है वोल्टेज, ठीक है, हमने इंजेक्ट किया 20 वोल्ट, हर हमें कम दिखा रहा है, तो ये हमारे मल्टीमीटर के वायर थोड़ा सा वोल्टेज खाती है, तो जितना शॉर्टेस्ट होगा, जितना छोटा होगा उतना एक्यूरेट होगा ये, और प्लस ये निडिल भी आपका मैटर करता है, समटाइम ये भी गलत वैल्यू देने लगता है, इस तरफ वोल्टेज नहीं आ रही है जबकि हमें इस तरफ से इस तरफ वोल्टेज चाहिए थी। अब एन चैनल पर इस तरफ से इस तरफ जो वोल्टेज चाहिए तो आपको क्या चाहिए कि आपके गेट पर हाई वोल्टेज आनी चाहिए सप्लाई वोल्टेज से। अभी यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज आपकी ड्रेन पर कितनी है, चूंकि VGS होती है, गेट टू सोर्स वोल्टेज आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ वोल्टेज कब पहुंचेगी, जब यहाँ पर हाई वोल्टेज होगी, कितनी हाई होगी, ड्रेन से हाई 4 से 5 वोल्ट मान के चलिए, ठीक है, समटाइम 6 भी होती है, अब डिपेंड करता है कि कितना करंट अंदर फ्लो कराना है, उसी के हिसाब से गेट की बायसिंग होती है। तो यहाँ पर आपको उम्मीद रख रहे थे हम कि यहाँ पर हाई ड्राइव के थ्रू सप्लाई वोल्टेज यानी CSMRC चार्जिंग आईसी के रोल के हिसाब से C+6 वोल्ट LDO यानी करीब करीब 20 वोल्ट डाला है, तो 26 वोल्ट हमें यहाँ पर मिलना था। अगर ये 26 वोल्ट यहाँ पर आ जाए तो ये अभी यहाँ से यहाँ स्विच कर जाएगी, बट ये नहीं कर रही है, ठीक है। अभी देखिए मैंने जो चेक करना स्टार्ट किया, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग गलत है कि भैया मैं 19 वोल्ट पर भिड़ गया, हमें क्या करना था, हमें चेक करना था सबसे पहले RTC एरिया, बट ये मेरा अपना फंडा है और बहुत सारे लोगों का भी होगा, आप लोगों का भी, कि हम पहले क्या करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। मान लीजिए आप एक सीमॉस सेल लगाते हैं, अभी जैसे मैं यहाँ पर सीमॉस सेल लगा दिया है,
इसके अंदर लगा हुआ ही है ऑलरेडी, सीमाओं से लगा हुआ है। मैं आरटीसी एरिया पर जाता हूँ और उसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है, आरटीसी, आरटीसी रीसेट वगैरह जितनी भी चीज़ें चाहिए होती है वो हमें चेक कर लेते हैं हम। और साथ में जैसे अभी मान लीजिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि रिपेयर करने का बहुत सारे तरीका होता है, तो स्मार्टेस्ट वे कौन सा आप ये सीख रहे हैं यहाँ पर? रिपेयरिंग तो आप जानते ही हैं, बहुत अच्छा जानते हैं आप लोग, ठीक है। आप ये सीखिए कि जो अप्रोच होता है आपका रिपेयरिंग करने का वो आप कहाँ से होता है। आप अगर डायग्राम खोल के सीक्वेंस देखेंगे तो सबसे पहला वर्ड लिखा होगा आरटीसी, क्योंकि पावर सबसे पहले वही होती है ना, चार्ज बैटरी होती है ना पावर होती है, लेकिन एक कॉइन सेल तो होती है हमेशा जो हार्ट बीट है उसकी। अभी मैं 32 किलो हर्ट्ज यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, तो आप देखिए डीएसओ पर 32 किलो हर्ट्ज का साइनसोडल वेव आपको यहाँ पर साइन वेव दिखा रहा है। और अब ये स्क्वायर वेव फॉर्म भी हो सकता है, अगर ये ग्रीन क्लॉक होती तो यहाँ पर स्क्वायर वेव फॉर्म मिलता आपको, ठीक है। सस क्लॉक अगर होता तो वो भी आपको, मतलब अगर सस क्लॉक हो गई है इसके अंदर तो वो आपको स्क्वायर वेव फॉर्म में दिखाएगा। समटाइम कुछ सिग्नल सौतूत फॉर्म में भी दिखाता है। अलग अलग फॉर्म होते हैं जो डीएसओ से हमें चेक करना होता है, इसके लिए डीएसओ को पूरा चलाना आना चाहिए। जैसे अभी जैसे कोई बोर्ड ऑन होकर ऑफ हो रहा है तो उसको कैसे चेक करेंगे आप? उसको चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है डीएसओ से, क्योंकि डीएसओ के अंदर 2 नैनोसेकंड तक आप चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। अब नैनोसेकंड कितना अंदर होता है सेकंड के, आप ये समझ लीजिए कि 1000 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड होता है, और 1 मिलीसेकंड इज इक्वल टू 1000 माइक्रोसेकंड होता है, और 1 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू 1000 नैनोसेकंड होता है, यानी हम करोड़वे हिस्से में है सेकंड के। अगर कोई वोल्टेज ऑन हो करके ऑफ हो रहा होगा तो उसको आराम से ये कैप्चर करके दिखा देगा आपको कि वो बना था कि नहीं बना था, इतना ही चेक करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ सेटिंग आनी चाहिए आपको डीएसओ की, यानी बहुत सारा एक्सपेक्ट है हमारे पास रिपेयरिंग में। ऐसा नहीं है कि हम रिपेयरिंग बस इधर से उधर चेंज कर करके सीख जाते हैं, ठीक है। तो हमें 32 किलो हर्ट्स प्रॉपर मिल रही है, तो यानी ये आरटीसी एरिया तो हमारा पूरा तो नहीं, मतलब सिर्फ जैसे 32 किलो हर्ट्ज़ के बारे में बात किया जाए कि ये बन रही है। और दूसरा बात ये कंफर्म है कि हमारे आरटीसी वीसीसी बिल्कुल सही है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हमारी 32 किलो हर्ट्ज़ सही है। अभी कुछ सिग्नल भी है बहुत सारी आरटीसी की, वो चेक होगा। तो हम अभी पावर नहीं लगाया था, मैंने सीमॉस सेल से ये सारी चीज़ें चेक की है, ठीक है। ये जो एरिया चेक किया है तो डायग्राम यही कहता है आपको कि सबसे पहले चेक करिए आप आरटीसी वीसीसी, उसके बाद चेक करिए उसकी रीसेट, उसके बाद चेक करिए ये 32 किलोहर्ट्ज़ वगैरह वगैरह, उसके बाद आप आइए डीसी इन पर। लेकिन हम लोग कैसे चेक कर रहे हैं? हम लोग चेक कर रहे हैं डीसी इन। अब मैं तो मानता हूँ कि सही तरीका यही है। क्यों? आपने अभी पूरा आरटीसी चेक किया और आपने 15-20 मिनट बर्बाद किया, ठीक। और उसके बाद आपको लगा नहीं आरटीसी तो बिल्कुल सही है, अब आपने पावर डाला तो पता चला 19 नहीं बन रहा है, या 19 बन रहा है तो 3-5 नहीं बन रही है। ऐसे में क्या होगा कि आपका टाइम पिछला जो चेक किया आरटीसी एरिया वो गया, बर्बाद गया। तो इससे अवॉइड करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले 19 वोल्ट चेक कर लीजिए। आप पहले एलडीओ तक बना लीजिए, 3 वोल्ट के एलडीओ तक बना लीजिए, टाइम आपका बचा, ठीक है। जनरली अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अप्रोच होगा। कोई कुछ चेक कर लेंगे सीधा, कुछ लोग सीधे कॉयल 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 सब चेक कर लेते हैं, ठीक है, अपना अपना तरीका है। मैं भी कभी कोर से भी वोल्टेज स्टार्ट करता हूँ चेक करना, कभी रैम से चेक करता हूँ, अपनी अपनी मर्जी होती है। लेकिन टाइम कम, कितने कम समय में रिपेयर करेंगे ये भी इसी पर डिपेंडेंट है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप आरटीसी अगर स्टार्ट करते हैं तो, और आरटीसी जनरली हमेशा तो ख़राब नहीं निकलती है, इसलिए आप क्या करिए, काम तो हमारा वही होना है कि एलडीओ अभी हमने सीमॉस सेल लगाया है, सीमॉस सेल से आरटीसी वेकअप होगी। अगर मैं सीमॉस सेल ना लगाऊं तो हमें एलडीओ चाहिए होगा, तो एलडीओ तक की वोल्टेज तो बनाइए कम से कम पावर सप्लाई से। अगर वहां तक बन रही है तो ठीक है, तब चेक कर लीजिए आप। लेकिन अगर वहां तक ही नहीं बन पा रही है, जैसे मान लीजिए ऐसी प्रॉब्लम आती है कि 19 नहीं बन रहा है या आपकी 3.3 और 5 वोल्ट नहीं बन रही है, तब तो पहले आप वो बनाएंगे तो बोर्ड ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो जैसे अभी हमने ये चेक किया, इस बोर्ड में कोई ज़रूरत नहीं थी आरटीसी चेक करने की, क्योंकि हमने देखा कि भैया 19 नहीं बन रहा है, तो हम पहले टारगेट फिक्स करेंगे कि 19 बनाएंगे, ठीक है। मतलब जो विन का एरिया है पहले हम उसको ठीक करेंगे, उसके बाद हम कुछ और देखेंगे। चलिए डीएसओ हटाइए अब, और हम अब रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। किसकी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे? चार्जिंग आईसी की। ये आपको एकदम बेसिक फंडा जो रिपेयरिंग के लिए हर बच्चे भी रिपेयरिंग कर रहे हैं, छोटे एकदम अभी नया स्टार्ट ही हुए हैं, जिसके दूध के दांत अभी टूटने ही वाले हैं, मतलब अभी रिपेयरिंग में कदम डाला है अभी, सीधा सी बात है कि वो लोगों को तकलीफ आती है। क्योंकि देखिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ लड़के जो काम कर रहे होते हैं किसी के ऑफिस में,
वो आ करके मुझे रिक्वेस्ट किया है कि सर आप बहुत मतलब जो केस स्टडी तो बनाते हैं वो तो बहुत भारी होता है, भारी होता है यानी बहुत लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बाउंस मार जा रहा है ऊपर से। बाउंस इसलिए मार रहा है क्योंकि आपने चीज़ों का नाम नहीं सुना है, सिग्नल पहली बार सुन रहे हैं कुछ सिग्नल। अभी जैसे मैं आपको बोलूँगा VCC ST ओवरराइड, तो आपने सुना ही नहीं होगा, तो आपको लगेगा भाई क्या बोल रहा है पता नहीं। तो सीधी सी बात है, आप जिस चीज़ की नहीं जानते हैं आपके लिए भारी होगा, जिस चीज़ को आप जानते हैं आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, जितने सिग्नल्स होते हैं बोर्ड में हम सबको अच्छे से जानते हैं, हम उससे वाकिफ़ हैं, रोज़ मिलते हैं उससे हम, तो मेरे लिए कॉमन हो चुका है। आपके लिए कुछ कॉमन है कुछ नहीं है क्योंकि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, बस इतनी सी बात है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका वीडियो जो है बहुत ही हाई लेवल का होता है, हालांकि हम जो ट्रेनिंग देते हैं चाहे वो वीडियो कोर्स के थ्रू हो या ऑफलाइन हो, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं कि कंपोनेंट क्या होता है, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर कैसे काम करता है, कैसे कैसे यूज़ हुआ है बोर्ड के अंदर, कैपेसिटर क्या होता है, कॉइल, इंडक्टर, मतलब सारे चीज़ें जो है, गेट कैसे काम करते हैं, गेट क्या होते हैं, ठीक है, लॉजिक और एनालॉग क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एंड तक जाते हैं एकदम कि रैम आपकी लास्ट में कैसे एक्सेस होगी प्रोसेसर के थ्रू। तो यहाँ तक की जो बात है, इसमें कुछ लोग रोते रहते हैं कि पावर सीक्वेंस क्या है, पावर सीक्वेंस तो सारा थोड़ी लिखा होता है पावर सीक्वेंस के अंदर। पावर सीक्वेंस कुछ नहीं है, कंपाल अपना अपना डिज़ाइन करता है, कॉन्टा अपना डिज़ाइन कर रहा है, विस्टर्न अपना डिज़ाइन कर रहा है, आसूस अपना डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, अलग अलग तरीके जो मैन्युफैक्चरर है वो अलग अलग तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके पीछे मत भागिए। एक बोर्ड का जो बेसिक फंडामेंटल है कि उस एरिया को काम करने, आपको जानने की क्या ज़रूरत है पता है? जैसे बहुत सारे लोग जो रोते रहते हैं कि भैया क्या है पावर सिक्वेंसेस का, इंटेल की रिक्वायरमेंट समझिए कि भैया PCH जो है हमारी वो कितने भाग में है, जैसे उसका RTC वेल, उसका DSW वेल, उसका ASW वेल और उसका सस वेल, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे एक्टिवेट होती है, किसके सिग्नल से, और वो कैसे चलती है, और किसको, अगर वो चल गई तो फिर क्या क्या चलाएगी, कौन कौन सी सिग्नल को वो रन कराएगी, ये जानकारी चाहिए। ठीक है, बाकी वो तो बच्चों वाला खेल है कि भैया ये इसके बाद ये देख लेंगे। अब मैं तो अब ये बोल रहा हूँ आपको कि भैया जब IO ट्रिगर हो जाती है तो पावर बटन ऑट के बाद तो SLPS4 निकलना ही चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि SLPS4 नहीं मिल रही है, ठीक, पावर बटन ऑट डिबाउंस लॉजिक हो गया, ठीक है, आपको मिल गया ठीक ठाक। अभी उसके बाद PCH को जवाब दे रहा था SLPS4, जो सारे डायग्राम में लिखा होता है, चाहे वो कॉन्टा उठाइए, कंपाल उठाइए, कोई सा भी उठाइए। अब मुझे ये बताइए कि अगर PCH SLPS4 नहीं निकाला तो क्या मैं PCH उखाड़ूंगा या क्या क्या चेक करूंगा? तो जरूर कमेंट करिए आप लोग क्या क्या चेक करते हैं और क्या क्या चेक कर सकते हैं या क्या क्या चेक करना चाहिए, जो आप जानकारी रखते हैं जरूर शेयर करिए। देखिए शेयर करने से जो ना नॉलेज कभी घटता नहीं है, बढ़ता है, ठीक है। तो सीखिए, हम भी आज तक सीख ही रहे हैं और कोशिश ये रहती है हमारी कि बहुत सारे लोग जो हमारा किसी का कोर्स अफोर्ड नहीं करते, हमारा तो छोड़ दीजिए, किसी का भी अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो ऐसे ही सीखते हैं ये वीडियो से, यूट्यूब के वीडियो से, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी वीडियो बनाते हैं, अच्छी बात है, और अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, और भी बहुत सारे स्टेट से इंडिया के बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। बात दरअसल ये होती है कि चलिए रिपेयरिंग वाले का तो अभी हम, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और नेहरू प्लेस से ज़्यादा गंदा तो एरिया मुझे नहीं लगता है कि कोई और होगा, मतलब जूस वाले भी, मैं उस मतलब से नहीं बता रहा हूँ कि गंदा है, मतलब अलग पर्पज़ से नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि कितने शॉप्स हो सकते हैं एक एरिया में, 4-5 हज़ार शॉप्स हैं। जूस वाला भी वहाँ पर बैठा हुआ है और वो भी लिख के बैठा हुआ है कि भैया लैपटॉप रिपेयर होता है, तो वो पकड़ेगा लैपटॉप, किसी के पास भेज देगा, वहाँ से ठीक करवाएगा तो काम, लेकिन नेहरू प्लेस में भी कमी नहीं है, 5 हज़ार शॉप होने के बावजूद भी वहाँ पर काम की कमी नहीं है, काम तो सबके पास है, कुछ लोग खोलते हैं, पैक करते हैं, बोर्ड उठाते हैं, भेज देते हैं, कुछ लोग खुद से करते हैं, ठीक है। तो तरीका क्या होना चाहिए, एक्चुअली हम लोग आज इसके बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये वीडियो डेडिकेटेड उन्हीं लोगों के लिए जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं या जो आ चुके हैं और जो अभी नए नए सीख करके रिपेयरिंग करने बैठे हैं। क्या क्या चीज़ की जानकारी चाहिए आपको, इसकी रिक्वायरमेंट बताइए। चार्जिंग IC में सबसे पहले क्या चेक होता है, तो ये BQ24725A है, ठीक है, BQ25A लिखा हुआ है ना, तो 24700 कॉमन है, और इसके अंदर हमें चाहिए होगा विन, तो 20 नंबर पिन पर विन आती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डायग्राम बता रहा है, ठीक है, 20 नंबर पिन पर विन VCC आएगी। और VCC का आने का एक तरीका है कि अगर
एडप्टर लगाया तो एडप्टर की वोल्टेज, और इधर से बैटरी लगी है तो बैटरी की वोल्टेज यहाँ पर आके खड़ी होगी, यानी यहाँ पर 12 वोल्ट और यहाँ पर 20 वोल्ट। तो डेल्टा वोल्टेज यहाँ से पास करेगी तो 20 वोल्ट पास करेगी, 20 वोल्ट वीसीसी के अंदर जाएगी, साथ में करंट भी कुछ पास होगा अक्रॉस दिस रजिस्टर, और पहली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी ये। दूसरा रिक्वायरमेंट हमारा क्या होगा कि एसी डिटेक्ट पर एक वोल्टेज बनेगा, एसी डिटेक्ट का कैलकुलेशन होगा यहाँ पर कि आप इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे, तो यहाँ पर एक सर्टेन वोल्टेज होना चाहिए जो अपने थ्रेशोल्ड पर होना चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड से कम या ज़्यादा हुआ तो भी चार्जिंग आईसी इस गेट को अलाउ नहीं करेगी कि आगे जाओ तुम। तो ये दो दूसरा पॉइंट हुआ, तो ये 2.4 वोल्ट से यूजुअली बड़ी होती है। फिर तीसरा पॉइंट हमारा रीजन होगा कि यहाँ पर से 6 वोल्ट एलडीओ आउट होगा, अंदर का जो कैलकुलेशन है इसके अकॉर्डिंग रीजन अनेबल होगा यहाँ से, ये रीजन होगा तो 16 नंबर पिन से रीजन हमारी आउट होगी, ठीक है। ये अनेबल रीजन ने एलडीओ को आउट किया तो यहाँ पर से 6 वोल्ट आपको मिलने लगेगी। अंदर की बात खिचड़ी समझेंगे तो बाहर आपको बच्चों का काम लगेगा रिपेयरिंग, ठीक है। ये दिलदार सर एक्सपर्ट है इस काम में, और मैं तो इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि इंडिया में उससे बेहतर इंटरनल लॉजिक, चाहे वो कोर आईसी हो, चार्जिंग आईसी हो, सी टाइप की आईसी हो, या 3-5 की आईसी हो, या दुनिया की कोई पीडब्ल्यूएम, नॉन पीडब्ल्यूएम और एलडीओ रेगुलेटर को इंटरनल लॉजिक से नहीं डिफीट दे पाएगा, ठीक है। मेहनत किया है उसने बहुत ज़्यादा, तो एक एक पॉइंट को वो डिस्क्राइब करता है अपने क्लास में, इवन कि मैं भी उतना नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे सिर्फ काम की बातें पता होती है, मतलब मेरा काम है कम्युनिकेशन पढ़ाना, जैसे आईओ पीसीएस से कैसे काम करती है, डीएसओ बताता हूँ, बायोस एडिटिंग बताता हूँ, वो जो पढ़ाता है वो स्पेशलिस्ट है इंटरनल लॉजिक के लिए, ठीक है। तो थॉरली उसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इन सब एरिया पर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से समझ आती हैं। बाहर का पिन क्या कैसे काम करेगा वो अंदर के पिन से समझ आएगी। तो यहाँ पर आपको 2.4 वोल्ट से बड़ी वोल्टेज चाहिए और यहाँ पर 6 वोल्ट चाहिए। उसके बाद सी एम एस आर सी जो कॉमन सोर्स है, ये एरिया आपका फीडबैक है, ठीक है। ये फीडबैक का एरिया है, और फीडबैक यूजुअली आपको तभी दिखता है जब आपको वोल्टेज मिल रही होती है। जैसे 3-5 का फीडबैक मैं पूछूं, 3-5 नहीं बन रही, तो फीडबैक पे क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। जैसे मैंने कुछ पढ़ाया नहीं आपको, और तो आपसे फीडबैक क्या मिलेगा? लेकिन अगर मैंने कुछ बताया, अभी जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये है, तो आप बोलेंगे ना हाँ अच्छा वीडियो है, या बोलेंगे खराब वीडियो है, ठीक है, घिसा पीटा वही पुराना वीडियो 19 वोल्ट वाला। तो फीडबैक मिला तो हमें पता चलेगा भैया ठीक है, इस तरह के वीडियो को लोग लाइक नहीं करते हैं या अच्छा नहीं लगता है, या मुझे लगेगा कि इस तरह की वीडियो और बनानी चाहिए, नया जितने लोग आए हैं उसको वो यही वीडियो, इस तरह का ही वीडियो ढूंढ रहे थे कि इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो ये फीडबैक हमें तब मिलेगा जब मैं कुछ बोलूँगा, जब मैं कुछ बनाऊँगा। अब मैं कुछ बताऊँगा ही नहीं आपको, तो आपसे फीडबैक का उम्मीद कैसे रखेंगे हम? तो जब 19 वोल्ट बन जाएगी, ठीक है, तो आपको फीडबैक मिलेगा। बस ये खाली कनेक्टेड होना चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद एसी ड्राइव की बारी आएगी, तो जो सी एम एस आर सी प्लस 6 वोल्ट मिलकर के जितनी वोल्टेज हो रही है, यानी 20 वोल्ट इस तरफ से पार होकर कितना आएगी? 20 वोल्ट आएगी। यहाँ पर 20 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट 26 वोल्ट एसी ड्राइव पर जाएगी, दोनों के गेट पर यहाँ से पहुँच गई है, ठीक है, दोनों के गेट पर पहुँचेगी। तो दोनों स्विच हो जाएगी, स्विच होगी तो दोनों वोल्टेज इस तरफ पहुँचा देगी। सवाल ये उठता है कि ये वोल्टेज यहाँ नहीं आ रही है, पहला ही नहीं पास हो रहा है, क्योंकि पहला स्विचिंग है, स्विचिंग ही नहीं पास होगा तो यहाँ नहीं पहुँचेगा, यहाँ नहीं पहुँचेगा तो यहाँ नहीं पहुँचेगा, जाहिर सी बात है। तो अभी इसकी रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं, आइए जरा चेक करते हैं। तो 20 नंबर पिन हमारा बीसीसी है, जो 20 वोल्ट मिलनी चाहिए, ठीक है, 19.6 वोल्ट बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर पिन हमारा कौन सा था? एसी डिटेक्ट, जो कि 6 नंबर पिन होती है। तो एक नंबर ये मार्किंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पिन है एसी डिटेक्ट। तो मैंने आपको बताया कि ये रट्टा मारने वाली बात नहीं है, कुछ बोर्डों में अभी 2 वोल्ट भी है और 2.1 वोल्ट भी है, ये कैलकुलेशन होता है, इसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। इसलिए हम रट्टा नहीं मार सकते हैं कि हमेशा 2 वोल्ट से बड़ी या 2.4 वोल्ट से बड़ी होगी। तो 2.6 वोल्ट आ रही है, ठीक है। अच्छा, बड़ी कभी छोटी भी होती है कि इससे छोटी होनी चाहिए, 3 वोल्ट से छोटी होनी चाहिए, ऐसा भी होता है, अंदर का लॉजिक समझना होता है। तो दो पॉइंट हमारा बिल्कुल सही निकला। तीसरा पॉइंट है हमारा 1.4
रीजन रीजन है 16 नंबर पिन, 5, 10, 15 और 16, 16 ये कैपेसिटर पर जा रहा है, ठीक है, 6 वोल्ट है, बिल्कुल 6 वोल्ट है। अभी हमें यहाँ से पावर निकाल रहा हूँ मैं, पावर निकाल करके हमें ढूंढना क्या है कि CMRC, चूंकि वहाँ पर कुछ बनेगा नहीं, मुझे ढूंढना है ये रजिस्टर सही है कि नहीं, ठीक है, बस रजिस्टर देखना है कि इधर से इधर कनेक्टेड हो और ये इधर से 3 नंबर पर कनेक्टेड हो। आइए देखते हैं, बोर्ड व्यू खोलना था मुझे, 3 नंबर पिन से देखना था। तो जब इस पॉइंट पर शॉर्टिंग नहीं है हमारे, सीधी सी बात है, इस पॉइंट पर जब हम शॉर्टिंग चेक कर रहे थे, इस पॉइंट पर जब शॉर्टिंग नहीं है तो सेंसिंग रजिस्टर पर भी शॉर्टिंग नहीं गई है, ठीक है, इसलिए मैंने सेंसिंग रजिस्टर पर शॉर्टिंग चेक नहीं किया था। अब इस कहाँ गया चार्जिंग आईसी, कहाँ गया, ये है चार्जिंग आईसी, 3 नंबर पिन, देखिए रजिस्टर किधर है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है जिसको हमें चेक करना है। 3 नंबर पिन से सीधा कंटिन्यूटी चेक करिए उस इस पिन की। तो ये हुआ हमारा 3 नंबर पिन, और इसका सबसे स्मार्ट वे बता दे रहा हूँ मैं कि 3 नंबर पिन पर रखिए और सीधा जाके चेक कर लीजिए गेट को, सोर्स को, जहाँ पर ये जा रहा है। तो 4 कितना आ गया, रुकिए 1 मिनट, 3 नंबर पर रखा और ये कौन सा बता रहा, मैं कहाँ चला गया था, पर बीप आनी चाहिए यहाँ से, यहाँ बीप पर तो नहीं है मेरा, 0 ओम दिखाएगा, गलत दिखा रहा है ये, कहाँ चेक कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही जगह है, ये रजिस्टर है जो बता रहा है चेक करने 3 नंबर पिन से। देखिएगा, मैं फिर से एक बार बोर्ड भी देखना चाह रहा हूँ, 3 नंबर पिन और ये रजिस्टर का इस तरफ, तो ये तो रजिस्टर का इस तरफ हो गया जिसको हम चेक कर रहे हैं अभी, ये रजिस्टर का इस साइड हो गया, और अब 3 नंबर पिन पर आइए, मैं गलत भी हो सकता हूँ ना, तो आप भी कुछ देखते रहिए, 2 नंबर पर चेक कर रहे थे क्या, बीप पर ही कर लेते इसको, ठीक, हाँ बिल्कुल बीप है। अभी क्या करना है कि इसको आपको ओम देखना है किधर का, 3 नंबर से इस पॉइंट का, 3 नंबर से इस पॉइंट का जहाँ पर ये सोर्स पर जा रहा है, इससे इसकी वैल्यू चेक करनी है। सोर्स पर रख दिया है और यहाँ हम 3 नंबर पर आते हैं, 4.1 किलो, इतना ही है, ठीक है, 4.1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है एस पर डायग्राम, डायग्राम कह रहा है कि यहाँ पर 4.1 का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा यही चीज़ चेक कर लेंगे हम यहाँ पर भी, ठीक है, इस एरिया पर भी सेम, 4.4 नंबर से आप गेट चेक कर लीजिए, 4 नंबर पॉइंट से गेट, अगर इतना ओम आ रहा है तो सही है, ठीक है। तो हम सीधे यहाँ से गेट पर आते हैं, गेट पर रखते हैं और 4 नंबर से चेक करते हैं, तो यानी बीच का माल तो सही हुआ, मतलब बीच का जो पॉइंट है सारा चीज़ ये अंदर से ख़राब हो जाता है सम टाइम, तो 4 ये भी सही है, तो फिर क्यों नहीं बन रहा है, यानी अगर ये इतनी रिक्वायरमेंट बेसिक होती है, और भी है थोड़ा सा आगे की तरफ डेप्थ लेवल पर है वो, लेकिन ये अगर इतनी सी सारी रिक्वायरमेंट है तो ये फुलफिल क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पर तब तो ड्राइव की वोल्टेज बन जानी चाहिए। तो कंफर्म कैसे करें कि चार्जिंग आईसी ही खराब है, तो एक तरीका इसका ये है कि आप क्या करिए, सेकंड मॉस्फेट को निकाल दीजिए, जब भी एन चैनल वाला कहानी आए आपके पास और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है आप, तो पहले कंफर्म करिए कि आपकी चार्जिंग आईसी सही है कि नहीं, अंदर से भी तो ख़राब होती है, एसी ड्राइव नहीं निकाल पाती है, ठीक है। अभी यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि अगर इसने 26 वोल्ट बना दिया गेट पर, तो हम समझेंगे कि मॉस्फेट ख़राब है या आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं पावर लगाता हूँ, ठीक है, मॉस्फेट निकाल दिया है और निकाल ही रहना है, उसके बाद पावर लगाना है, सिर्फ ध्यान रहे कि किसी भी रेगुलेटर को निकाल के पावर नहीं डालना है आपको, ख़ास तौर पर जिसके साथ हाई ड्राइव और लो ड्राइव की मॉस्फेट लगी होती है, PWM या किसी भी टाइप के रेगुलेटर को, या PWM IC हो या किसी भी टाइप की IC हो, ड्राइवर IC हो, नॉन ड्राइवर IC हो, कैसी भी हो। चलिए गेट पर चेक करते हैं,
गेट पर वोल्टेज चेक करेंगे ना, वोल्टेज चेक करते हैं। तो अब 25 वोल्ट बन गई, ठीक। प्रॉब्लम तो ना तो आपको शॉर्ट मिल रहा था, ना आगे शॉर्टिंग है ना पीछे शॉर्टिंग है। देखिए ये ड्रेन की एरिया है, यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा आपको क्या? सॉरी, मैं अभी शॉर्टिंग पर चेक करता हूँ कितना दिखा रहा है। ये एरिया सेंसिंग रजिस्टर पे जा रहा है ना, ये तो ओपन दिखा रहा है, ओवरलोड दिखा रहा है, शॉर्टिंग भी नहीं है। अच्छा, मॉस्फेट भी शॉर्ट नहीं थी, तो मॉस्फेट लीक होती है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरे पास किसी स्क्रैप बोर्ड में अगर मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा वो वाला है, क्या बोलते हैं, QFN वाला, क्वाड फ्लैट विथ नो लीड्स, ठीक है। ये पिचका वाला होता है, इसको लगा रहा हूँ, एक ही है। तो समटाइम ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब ऐसे में जंपर लोग मार देंगे मॉस्फेट, तो भी बहुत ठीक हो जाएगा, बट प्लग इन नॉट चार्जिंग रहेगा। तो इसलिए जंपर से अवॉइड करिए कि पास नहीं कराना है, एकदम लॉजिक से बनाना है बोर्ड को। जो ऑन करना है हमें, एकदम प्योर लॉजिक होना चाहिए, तभी बोर्ड सही तरीके से काम करेगा। नहीं तो कस्टमर आपके पास एकदम चंद्रमा की तरह आपका परिक्रमा करने लगेगा, भैया ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, चार्ज नहीं हो रहा, ये नहीं कर रहा है। जंपर वाला काम छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग गोली भी दे देते हैं। मेरे स्टूडेंट ने भी फीडबैक दिया था, सर बोल देते हैं चाइनीज़ आईसी है, ठीक है। आजकल चाइनीज़ आईसी आ रही है, अभी पहले भी चाइनीज़ ही आईसी आती थी, आज भी चाइनीज़ ही आईसी। आईसी कब से अमेरिका से आने लगी, अमेरिका से भी आती थी कभी आईसी? आईसी तो चाइना से ही आती थी पहले भी, बचपन से और आज तक। तो ये गोली दे देते कि आजकल आईसी जो ना चाइनीज़ आ रही है, और चाइनीज़ माल तो ज़्यादा चलता भी नहीं है। चलिए पावर लगाते हैं और देखते हैं कि क्या ये सही हुआ। तो वोल्टेज पर कर देते हैं, तो ये देखिए गेट पर 25 वोल्ट आ गया। अब स्विचिंग समझ लीजिए कि आपका बोर्ड में वोल्टेज जो इन किया हमने वो यहाँ था 20 वोल्ट, गेट पर वोल्टेज आया जो कि चार्जिंग आईसी कंट्रोल कर रही थी, देखा कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, उसने एसी ड्राइव भेजा। अब जो एसी ड्राइव भेजा तब ये स्विच हुई और ये ड्रेन टू सोर्स वर्क कर गई, ठीक है। इतनी वोल्टेज आ गई, अभी ये वोल्टेज यहाँ आई, ठीक है। यहाँ से कहाँ आएगी, मेरे ख्याल से यहाँ इस बार सोर्स पर आएगी, ठीक है। चूँकि पहली वाली ब्लॉकिंग है, दूसरी स्विचिंग है, तो इसके सोर्स पर आएगी। सोर्स पर आई, सोर्स पर भी सेम गेट की वोल्टेज है, तो यहाँ पर 25 वोल्ट मिल रही है। और जैसे ही 25 वोल्ट आई तो ये वोल्टेज इस तरफ से इस तरफ ट्रांसफ़र हो गई। अब यहाँ वोल्टेज पहुँच गई तो सेंसिंग रजिस्टर पर वोल्टेज पहुँच गई, सेंसिंग पर पहुँची तो अब बोर्ड के हर कोने कोने में हर जगह आप चेक कर सकते हैं, आपको 20 वोल्ट मिल रहा होगा। यहाँ कोर के एरिया में चेक करते हैं, ये कोर का एरिया है, यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ 20 वोल्ट, ठीक। फिर यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ भी 20 वोल्ट, हर जगह पूरे बोर्ड में फैल गई, पहली और दूसरी ही मेन है। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूँ आपसे कि क्या लॉजिक था, क्या ये ओपन हुआ या क्या था, तो इसको लीकेज कहते हैं, ठीक है। ये जो ख़राब हुई थी ये एक लीकेज है, समटाइम चोकिंग होता है, समटाइम लीकेज होता है। अब इसमें से क्या था ये अभी नहीं कह सकते हम कि ये चोक है या लीकेज है, इसको पकड़ना मुश्किल है। ऐसे केस को जो ऑन हो करके सडन ऑफ, तो इसके लिए आपको अभी मैं डीसो को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि हमने जो कहा आपसे कि क्या, पहले तो ये कंफर्म कर रहे थे ना कि चार्जिंग आईसी ठीक है कि नहीं, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसका काम ही यही है कि एसी ड्राइव की वोल्टेज बढ़ाना। अभी क्या है कि यहाँ शुरू में आप क्या बोल रहे थे कि वोल्टेज नहीं आ रही है, बस यही डिफरेंस है डायग्नोसिंग के जड़ तक जाने का। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको एसी ड्राइव वोल्टेज नहीं मिल रही होगी, बट अगर मैं डीएसओ चेक करूंगा तो मुझे वो दिखाएगी कि वो 8 से 9, 10 वोल्ट या समटाइम 15 वोल्ट तक उठी, या समटाइम 20 वोल्ट, या समटाइम 24, 25 वोल्ट तक भी उठी और गिर जाती है, ठीक है, क्योंकि हम उसे कैप्चर करते हैं उस सिग्नल को, तो हमें उससे पता चलता है कि आखिर क्या दिक्कत है, ठीक है। नॉर्मली मल्टीमीटर से आप इसको तुक्के से सिर्फ निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई लॉजिक नहीं होगा आपके पास। चलिए तो इसलिए डीएसओ का रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जब ये बन गई तो जाहिर सी बात है अब 3-5 भी बन ही गए होगी,
क्योंकि इसमें ऑलवेज होता है, तो ये 3-5 का ऑलवेज एरिया है, तो उससे भी पहले हमें चाहिए था एलडीओ। तो जब हम यहाँ तक का हम आज क्लियर कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं बेसिक लेवल का फिर से एक बार क्लियर करा दूंगा सारा चीज़, ठीक है। तो इस पर अब एलडीओ चाहिए हमें, तो इस पर विन आएगी किसी नंबर पिन पर, हम डायग्राम में भी देख सकते हैं विन आएगी और इससे एलडीओ आउट होगी। तो एलडीओ मुझे पिन नंबर याद है, विन अभी याद नहीं आ रहा इसका, जो 24 पिन वाली आर्टिचर होती है। तो 7 नंबर से 3 वोल्ट आउट करेगी, 3 वोल्ट आ रही है, और 17 नंबर से 5 वोल्ट, तो दोनों सही है, 7 और 17। तो जब ये सही है तो ये वोल्टेज आरटीसी एरिया पर जाएगी 3-5। अब चेक करें अगर आरटीसी तो सही है, अभी इसी चीज़ को अब हम पावर से चेक करेंगे। पहले पावर से चेक कर रहे होते हैं तो हमें कुछ नहीं मिल रहा होता, ठीक है। पहले अगर अब मैं सीमॉस सेल निकाल चुका, इसका सीमॉस सेल निकला हुआ है, अब मैं आरटीसी चेक कर रहा हूँ, ये आरटीसी की क्रिस्टल है यहाँ पर, देखिए सेम 32 किलोहर्ट्ज़। तो मतलब पहले डालना तो पहले चेक करना तो एकदम बेवकूफ़ी था ना, यानी अगर आप सीमॉस सेल लगा करके पूरा आरटीसी चेक कर लिया और पता चला 15-20 मिनट गया टाइम और आपको पता चला हाँ ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ है 19 वोल्ट में, तो खाम खा टाइम बर्बाद कर रहे उधर ना। इसलिए बता रहा था कि चेक करने का सही तरीका आप डीसी इनसे करिए, प्रैक्टिकल कुछ और होता है, थ्योरी कुछ और होता है, ठीक है। तो अभी ये जब दो काम हो गया तो इस पर ट्रिप आ रही होगी, तो ट्रिप एक्टिवेट हुई गई, तो हमें 3-5 मिलेगी कि नहीं मिलेगी यहाँ से ही पता चल जाएगा। तो हम चेक कर रहे हैं 1 नंबर पिन और 6 नंबर पिन, 1 नंबर बिल्कुल। अभी हमें ट्रिप की वोल्टेज अगर मिल गई है तो हमें 3-5 पर वोल्टेज मिल जाना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो ट्रिप पर हमें वोल्टेज मिल गई है और ये भी मिल गई है, तो हमें 3-5 की कॉइल पर ऑफ कोर्स वोल्टेज मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो प्रॉब्लम, ठीक, कोई सस्पेंड वगैरह नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट और यहाँ पर आगे वाले पर 3 वोल्ट, ये है कहानी। अब इसको ऑन करते हैं, इतना दूर तक रेडी चाहिए था तो हो गया रेडी। और लेटेस्ट जनरेशन में बस थोड़ा सा चेंजेस क्या आ गया कि आपको 3-5 ऑलवेज के अलावा, S5 के अलावा 1.8 और 1 वोल्ट भी है, बस इतना सही है, सारा गेम तो वही है। अब इसको ऑन करते हैं, एम्पियर देखते रहिए क्या होता है, कितने नंबर पिन से होता है, 2-3 2 नंबर, ऑन हो गया, लेकिन अभी लोड कम ले रहा है। तो यानी अब ये बना डेड से नो डिस्प्ले केस, ठीक है। और ऐसा इसलिए है कि भाई साहब जिसने मुझे भेजा है उसने ऑलरेडी इसकी वाट लगा रखी है, बायस तो नहीं किया हुआ लग रहा है बट इस एरिया पर काम लग रहा है जो S0 बनाता है। देखिए यहाँ पर पहले से काम किया हुआ ना, जबकि देखिए हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग तो 19 वोल्ट पर काम कर रहे हैं, ये एरिया तो देख ही नहीं रहा था, तो ये एरिया टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा ना, काम किया हुआ है, यानी इस एरिया पर पहले काम हुआ है या काम करते करते डेड हुआ है या जो भी हुआ है, वट एवर आई डोंट नो, बट प्रॉब्लम कुछ एक ही होती है। ये तो दो प्रॉब्लम इसलिए कि ये बंदा कुछ इसी को ठीक कर रहा था, इसके ठीक करने के चक्कर में डेड किया। मैंने अभी डेड का जो रीज़न बताया कि बहुत तरह की रीज़न होती है, उसमें से 19 वोल्ट नहीं बनना, 3 की एलडीओ नहीं बनना, या 3 वोल्ट S5 नहीं बनना, आरटीसी का फेलियर होना, आईओ का प्रॉपर स्विचिंग नहीं होना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को मिला करके हम बोर्ड को ऑन करते हैं। तो अब चलिए इसका नो डिस्प्ले केस मैं, अगर पॉसिबल रहा तो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, नहीं तो ये तो आज सिर्फ बेसिक वाले लड़कों के लिए था ये वाला वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो लोग जो कहीं नहीं सीख पाते हैं या कहीं सीख चुके हैं, पहले से पैसा बर्बाद कर चुके हैं और अभी भी दिल ठंडा नहीं हो पाया है और लगता है कि नहीं सीख पाए हैं, तो कम से कम उन लोगों का भला तो हो जाए, कुछ तो रिपेयर कर ले किसी भी तरह के। जैसे मान लीजिए अगर घर से बोल के निकले हैं कि हम रिपेयरिंग सीखने जा रहे हैं, तो कम से कम दोस्तों का और घर वालों का अगर मान लो लैपटॉप ख़राब होता है तो कम से कम वो तो ठीक कर ले किसी तरह से भाई साहब। तो यही पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक बार कुछ दिखा है तो मैं एक बार सिर्फ स्क्रैच करके देख लेता हूँ, क्या पता ये यहीं से प्रॉब्लम हो, ये एरिया नहीं ठीक लग रहा है ये तो।
तो प्लीज़ इसको शेयर ज़्यादा ज़्यादा करिए, ठीक है? मुझे लाइक से कोई मतलब नहीं है, मुझे सब्सक्राइब करिए नहीं करिए, बहुत सारे लोग शर्म से तो नहीं करते हैं कि भाई वो अपने आप को बड़ा इंजीनियर समझते होंगे, ठीक है? मैं तो नहीं मानता हूँ कि कोई बड़ा कोई छोटा होता है, ठीक है? और बड़ा छोटा इसलिए नहीं होता है क्योंकि मेरा नहीं छोड़ा हुआ केस कोई भी कर सकता है और किसी दूसरों का छोड़ा हुआ केस मैं भी कर सकता हूँ। इसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक होता है, उस बोर्ड पर आपने कितना मेहनत किया, कितना एफर्ट लगाया, कितना। अभी एक बोर्ड मैं ठीक कर रहा था, उसमें एक आईसी मैंने पता की तो पता चला कि 1800 रुपये की एक आईसी है, बहुत छोटी सी आईसी थी एलवी की। समझ लीजिए कि वो अभी 12th जनरेशन में आया है कुछ बोर्ड में, वो लेनोवो एयर सुना होगा आपने, अभी नया आया है लेनोवो एयर में लगी है। तो फिर दूसरे जगह से पता किया तो 1500 तक में मुझे मिली वो आईसी। लगाने के लिए हिम्मत चाहिए, तो इसलिए रिपेयर सब नहीं कर पाएंगे। आपने डायग्नोज भी कर लिया आप, तो आप हिम्मत चाहिए कि भैया खरीद के लगाएं कि नहीं लगाएं। क्या रीज़न होगा नहीं रिपेयर करने में, और या हो सकता है अप्रूवल नहीं हो। अभी अगर 1500 रुपये की दो आईसी लग गई गलती से, तो आप 4500 रुपये से तो कम नहीं लेंगे। तो क्या रीज़न रहा होगा पीछे, तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते हैं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, सब बराबर, ठीक है? तो चलिए गाइस, अगर आपको लगता है कि आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है और आप अभी भी जो है नॉर्मल केस को करने में तकलीफ़ होती है आपको, तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो कोर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं और लाइव क्लासेस भी हम चलाते हैं ऑफलाइन की। तो दिलदार सर का नंबर है और मेरा नंबर है, कृपया करके आप लोग व्हाट्सएप करिए, जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो हम लोग जवाब देंगे आपको, ठीक है? और आपका जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और हमारे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिएगा क्योंकि मैं क्लास लेता रहता हूँ और रात भर मैं काम करता रहता हूँ, बाकी जो सुबह का टाइम बचेगा वो मैं सोता रहता हूँ, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले केस स्टडी में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।